दोस्तों पीर बाबा ने खुद को बताया कि वह अल्लाह की दुल्हन है। वो दुल्हन की तरह लाल या नारंगी रंग की ड्रेस पहनते हैं, चूड़ी व ज्वेलरी का भी शौक रखते हैं और दुल्हनों की तरह ही मेकअप भी करते हैं। ये दरअसल उपमहाद्वीप की दुल्हनों का पहनावा है। फर्क बस ये है कि इन जनाब की सुनहरी लाल रंग की दाढ़ी भी है। दरअसल ये कोई दुल्हन नहीं बल्कि एक पीर है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि किसी कार्टून या काल्पनिक किरदार की बात कर रहे थे तो आप गलत हैं। हम यहाँ पाकिस्तान की दुल्हन पीर की बात कर रहे थे, जिन्हें आप उपरोक्त चित्र में देख सकते हैं। उनके चाहने वाले उन्हें दुल्हन वाली सरकार भी कहते हैं। मजहब के नाम पर ना ही मात्र किसी को डराया जा सकता है बल्कि इससे अच्छा पैसा भी बनाया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों को ठगने का पुराना धंधा रहा है। कभी कोई बाबा बनकर ठगता है तो कभी कोई पीर, फकीर या मौलवी। ऐसे ही ये शख्स आजकल पाकिस्तान में काफ़ी चर्चित है। पाकिस्तान में वैसे तो खुद को खुदा की करीबी बताकर लोगों को ठगने का नाम पीर फकीर लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन दुल्हन पीर की हर अदा ही अलग है। दुल्हन की पोशाक में नजर आ रहे पीर के पाकिस्तान में कई सारे चाहने वाले हैं, जो ना ही मात्र उन्हें पैसा देते हैं बल्कि उनके साथ नाचते भी हैं। इस पाकिस्तानी पीर का नाम फनाफिला बताया जा रहा है, जिनका दावा है कि वो अल्लाह की दुल्हन है और उन्होंने अल्लाह से शादी कर रखी है। उनके इस दावे से भले आपको हंसी आए, लेकिन उनके इस दावे पर कई लोग यकीन कर रहे हैं और उनके दर्शन के लिए भी उनके पास जा रहे हैं। ये पीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद से संबंध रखते हैं, जहां उनके चाहने वाले उनसे मिलने और उनके साथ गाने नाचने आते हैं। सोशल मीडिया पर पीर दुल्हन को लेकर कई मुस्लिमों ने इन्हें कुफ्र बताया है और इसका तीखा विरोध किया है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।